नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियंका सरपा मित्र में। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स और कॉल्स आ रहे हैं कि आप एक लड़की हो के इतनी आसानी से सांप कैसे पकड़ लेती हैं, हम क्यों नहीं पकड़ सकते। तो दोस्तों है मेरे पास एक सांप, मैं बताती हूँ कि सांप कैसे पकड़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सांप पकड़ना भी एक कला है और बिना प्रशिक्षण के आप काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर एक आप टू व्हीलर बाइक लेते हैं तो उस बाइक को तुरंत आप चलाने नहीं लगते हैं, अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से आप उसको सीखते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगता है और सीख लेते हैं तब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। उसी तरीके से सांपों का भी पकड़ना आप सभी को सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। और ये जो काम मैडम कर रही हैं ये काफ़ी सालों के अनुभव के बेस पे ही आज इन सांपों को आसानी से पकड़ती हैं। तो ये जो सांप है आप हाथों में देख रहे हैं मैडम के, तो ये है एक स्पेक्टिकल कोबरा है और अपने भारत में करीब करीब 40% जो मौत होती है उसका जिम्मेदार यही सांप होता है। काटने पे एंटीवेनम इंजेक्शन होता है वही जान बचाता है, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि इसके काटने पे किया क्या जाए, तो झाड़ फूक में ऊझा कूड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो हमेशा वीडियोज़ में तो हम लोग अपील करते ही हैं, बताते ही हैं कि आप लोग झाड़ फूक में ना जाएं, और अभी भी हम वही चीज़ बता रहे हैं कि कभी भी गलती आप ना करें, किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि इसके अंदर जो जहर है न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर है, काफ़ी घातक जहर। जब ये किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो उसकी तंत्रिका तंत्र को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है और उस व्यक्ति की 40 से 50 मिनट के अंदर इलाज ना मिले, 50 मिनट के अंदर अगर इलाज ना मिले तो उस व्यक्ति की जान चली जाती है, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति मर जाता है। तो कभी भी गलती आप लोग ना करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको पकड़ना चाहते हैं लेकिन बिना ट्रेनिंग के उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि ये देखिए हुड जो लिया हुआ है, तो ये हुड आप देख रहे हैं, तो हुड से करीब करीब 1 से 1.5 फीट, मतलब 1 से 1.5 फीट यहाँ तक का 1.5 फीट आता है, तो ये इसका बाइट रेंज होता है। तो जो नए लड़के हैं, नए अनुभवी लोग हैं, जो काम मतलब नए लोग हैं जो रेस्क्यू सीखना चाहते हैं चाहे रेस्क्यू करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, तो आप सभी से निवेदन है ऐसे जब कोबरा हुड लेकर खड़ा हो जाता है तो करीब करीब 1.5 फीट तक का उसका बाइट रेंज रहता है, तो इसके रेंज के अंदर आपको काम नहीं करना है। और सेकंड बात ये होती है कि जो इसका हेड वाला ये खोपड़ी वाला पोर्शन होता है, ये मुंडी वाला, ये हेड को कभी भी आप कैच ना करें, बहुत ही विषम परिस्थिति आती तो ही आप हेड को कैच करें, क्योंकि जो इसका वेनम जक होता है जहर वाली थैली वो इसके मुँह के पास रहती है, विषदंत भी इसके मुँह के पास ही रहता है। तो अगर आप मुंह पकड़ते हैं तो कम से कम 98% मौत के मुंह के पास रहते हैं, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। और एक चीज़ और है इस प्रैक्टिकल कोबरा के बारे में, जो एक अंधविश्वास लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इसको पलटू लोग बोलते हैं कि अगर ये काट ले और काट कर पलट जाए तब जहर छोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले तो कोबरा 70% जो होता है, 70% जो बाइट होता है इसका फाल्स बाइट होता है, फेक बाइट, डराने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद अगर आप नहीं हटते हैं इसके सामने से तभी आपको रियल बाइट करता है, ये इतना जल्दी अपना जहर किसी के ऊपर वेस्ट नहीं करता है। तो कभी भी आप लोग सावधानी बरतें जो भी हमारे नए रेस्क्यूअर हैं, और नए रेस्क्यूअर के साथ साथ जो भी लोग पकड़ना चाहते हैं तो आप सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ट्रेनिंग ले लें किसी भी सर्प मित्र से, ट्रेनिंग लेने के बाद ही सांपों को जीव जंतुओं को आप पकड़ें और बचाने का प्रयास करें। उस तरीके से आपके दिल में आस्था है, बचाने का प्रयास करेंगे तो जाने अनजाने में आप इसके ज़्यादा करीब चले गए, चाहे छेड़छाड़ कर रहे हैं उस दौरान
आपको नहीं समझ में आया क्या है, कितना बाइट रेंज है, कौन सा क्या है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है उस दौरान, और आप के साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। और एक चीज मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पीछे जो इसका मार्क बना हुआ है यू शेप में, उसी मार्क के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उसी मार्क की वजह से इसको स्पेक्टिकल नाम दिया गया है, और वो मार्क इसे सेफ्टी भी प्रदान करता है। जैसे कि पीछे से अगर कोई जीव जंतु अटैक करना चाहता है इसके ऊपर, तो उसे लगता है कि बड़ी बड़ी अपनी आंखों लेकर मुझे घूर रहा है, तो इस दौरान वो जो शिकारी होता है इसके ऊपर अटैक नहीं करता, तो एक प्रकार से उसे सेफ्टी प्रदान करता है वो स्पेक्टिकल का मार्क। वो चश्मा जैसा आकार है, तो इसको चश्मा कोबरा भी लोग बोलते हैं। तो सारी जानकारी आप सभी को हमने प्रोवाइड कर रहे हैं इस सांपों के बारे में और कैसे पकड़े। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग किसी अनुभवी ट्रेनर, अनुभवी सर्पमित्र से ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद वन्य जीवों को बचाने में आप आगे बढ़े। नहीं तो आप की एक छोटी सी गलती और आपके पीछे आपका परिवार रोता बिलखता नजर आएगा। तो कभी भी गलती ना करें, आप सभी लोग सावधान रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रियंका मैम के लिए सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुझे देख के और किसी और रेस्क्यूअर को देख कर सांपों का पकड़ने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ घटना हो जाएगी। आप अगर पकड़ना चाहते हैं तो किसी अनुभवी के मित्र से ट्रेनिंग लेकर तब आप पकड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।